नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। कनॉट प्लेस में बने देश के पहले स्मॉग टावर का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट आधार पर यह स्मॉग टावर लगाया गया है। यह प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ कर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व PM10 और PM2.5 की मात्रा को कम करेगा। उन्होंने कहा कि स्मॉग टावर की स्थापना प्रायोगिक परियोजना के तहत की गई है। अगर यह सफल रही तो दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि स्मॉग टावर के चालू होने के बाद उसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए 2 साल का प्रायोगिक अध्ययन किया जाएगा। इसके संचालन की निगरानी के लिए साइट पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अभी सभी अधिकारियों ने इस वायु संशोधन प्रणाली के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होंगे उनके विषय में बताया। आदरणीय श्री संजीव खिरवार जी नवांकुर दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। श्री डॉक्टर के एस जयचंद्रन मेंबर सेक्रेटरी नवांकुर मंत्री जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को श्री अरुण शर्मा, CGM NBCC और श्री के एस जयचंद्रन जी को डॉक्टर अनवर अली खान जो इंचार्ज हैं इस स्मॉग टावर के, तो सभी लोग नवांकुर देकर इस बहुत ही पुनीत भारत देश के अपने पहले अनूठे स्मॉग टावर के इस लोकार्पण अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पर्यावरण मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक बार फिर इतिहास रच रही है अपनी तरह के इस पहले स्मॉग टावर के लिए, जो जाना जाएगा वायु को शुद्ध करने की प्रणाली को इस रूप में लाने के लिए। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इस स्मॉग टावर के लिए जो अनावरण पट्टिका है उसका अनावरण, ये नाम पट्टिका और इसका हुआ अनावरण, और इस तरह दिल्ली बना पहला राज्य जो इस तरह का अनुपम स्मॉग टावर जो जाना जाएगा वायु संशोधन के लिए, वायु संशोधन प्रणाली के विषय में। और उसके बाद सर मीडिया से बात करेंगे। अच्छा, वो ऑन करना है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, नाराज मत हो। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ़ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे
वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है, NBCC ने इस पर पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की देखरेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ये प्रयास है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफ़ी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं, हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और नहीं, और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। आज हम इसकी हवा साफ करने की करेंगे, कोई राजनीतिक क्वेश्चन नहीं होगा ना इसी के ऊपर, टावर पे होगी चर्चा, कोई पंजाब बिहार किसी चीज़ पे चर्चा नहीं होगी। डेटा एनालिसिस शुरू तुरंत हो जाएगी, टोटल 2 साल तक माना जा रहा है इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स कब तक आने चालू हो जाएंगे? सर अभी इसमें कुछ फिल्टर वगैरह लगने हैं, तो एक महीने के बाद मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। थैंक यू। और अब सर इन बटन को दबाकर इस टावर को शुरुआत देंगे। ये टावर अब फंक्शनल होंगे, आप देख सकते हैं इसके पंखों ने काम करना शुरू किया है और इन पंखों से जो हवा जनरेट होगी ऊपर से, जैसा सर ने बताया, सक करेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं सर ने अभिवादन किया उन लोगों का जो इसके बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये अनूठी सोच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिल्ली प्रदूषण समिति के इस अनूठे प्रयास में शामिल होने के लिए।